इस वक्त की ताज़ा अपडेट, कपड़े का मास्क सुरक्षित नहीं है बल्कि कोविड के बचाव के लिए ध्यान देना जरूरी है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर संदीप तिवारी ने कोविड 19 की तीसरी लहर को लेकर के ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि कपड़ा का मास्क सुरक्षित नहीं है बल्कि कोविड से बचाव के लिए ध्यान देना जरूरी है। साथ ही दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पाए गए कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण स्पीड पूर्वक के वेरिएंट से अधिक तीव्र है। साथ ही कोविड 19 के नए हमले से बचाव के लिए चार प्रमुख नियम पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि नियमित रूप से साबुन या हैंड वॉश से हाथ धोएं। साथ ही दूसरा कि नियमित मास्क, खासकर पब्लिक प्लेस पर मास्क का अनिवार्य प्रयोग करें। और कपड़े के डिजाइनर मास्क किसी भी स्थिति में बचाव का साधन नहीं है, हमें सर्जिकल या N95 आदि मास्क का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही उसने तीसरा नियम बताया कि शारीरिक दूरी का अनिवार्य से पालन किया जाए। और चौथा, किसी भी प्रकार की कोविड संबंधित लक्षण दिखाई देने पर उसे छुपाए नहीं, तुरंत जांच करवाएं। दरअसल डॉक्टर तिवारी का कहना है कि कोविड 19 का संक्रमण 1 से 5वें दिन तक सामान्य रूप से रहता है, लेकिन 6वें से 9वें दिन के बीच ही मरीज ज्यादा गंभीर व हॉस्पिटल में एडमिट की स्थिति में हो जाता है, जिसके कारण 6वें से 9वें दिन तक मरीज को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है वे टीकाकरण अनिवार्य कराएं। जिन्हें प्रथम डोज टीका बस लगा है वे द्वितीय डोज टीका जरूर लगवाएं। जी हाँ दोस्तों, वाकई इन सभी नियमों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दिनों कोरोना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ओके, तो ये रहे कोरोना से बचाव के लिए कुछ जरूरी नियम, तो आप इन सभी नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डेली के नए अपडेट्स मिलती रहे।